हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट के बारे में, क्लाउड वॉच इवेंट। तो जनरली इवेंट क्या होता है? अगर सिंपल टर्म्स में इवेंट को समझे तो इवेंट का मतलब है कोई एक्टिविटी होना, राइट? तो कोई भी एक्टिविटी अगर किसी पर्टिकुलर सर्विस के साथ हो रही हो, ठीक, आप उसे मॉनिटर करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन अलाइन करना चाहते हैं, तो ये सारे काम हम क्लाउड वॉच में इवेंट सेक्शन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आप यहाँ जाइए क्लाउड वॉच पे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको इवेंट का यहाँ पे सेक्शन मिलेगा। तो अभी कोई भी इवेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, इवन आप रूल्स में भी जाएंगे तो मेरे पास अभी कोई भी रूल यहाँ पे नहीं है। तो मैं इवेंट पे जाता हूँ एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है इवेंट पैटर्न, दूसरा है शेड्यूल। तो आप चाहें तो उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, बट मैं अभी इवेंट पैटर्न पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली मुझे करना क्या है कि पहले मुझे चूज़ करना है कि किस सर्विस के इवेंट एक्चुअली मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से मैं EC2 जो मेरी सर्विस है, ठीक है, उसके इवेंट में यहाँ पे चेकआउट करना चाहता हूँ। और कौन से इवेंट, आप चाहें तो सारे इवेंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या जो ये लिस्ट दी हुई है इसमें से आप कोई भी इवेंट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी अगर कोई वॉल्यूम अटैच करे या डिटैच करे तो आपको इवेंट आए, स्नैपशॉट ले तो इवेंट आए, इंस्टेंस के स्टेट अगर चेंज हो, लेट से स्टार्ट से स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो तब आपको नोटिफिकेशन आए। तो आप चाहें तो एक पर्टिकुलर इवेंट टाइप भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ जो सिनेरियो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, उस सिनेरियो में मैं ये चाहता हूँ कि EC2 इंस्टेंस को अगर कोई भी इसके स्टेट को चेंज करे, ओके, लेट से अगर कोई रिबूट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो मुझे एक ईमेल मेरे मेल आईडी पे आए जो मैंने SNS में ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा क्राइटेरिया है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ ऑल इवेंट, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रिप्ट भी रेडी हो रही है। आप चाहें तो डायरेक्टली इस स्क्रिप्ट को भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका टारगेट क्या है। जैसे ही कोई इवेंट ट्रिगर होता है, लेट से मेरा जब EC2 जो है मैं इसको रिबूट कर रहा हूँ, तो एक इवेंट हुआ, इवेंट के बाद आप किस टारगेट को हिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं बोला ऐड टारगेट, और यहाँ पे टारगेट आप देख सकते हैं मल्टीपल टारगेट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, बहुत बड़ी रेंज है टारगेट्स की। जैसे अगर आप जो चीज़ें आपने की हुई हैं उनके थ्रू अगर आप समझ पाएं, तो अगर आप चाहें तो इसको SNS को दे सकते हैं ताकि कोई ईमेल आपके मेल बॉक्स पे जनरेट हो जाए, ठीक है। आप इसे लामडा फंक्शन को हैंडओवर कर सकते हैं ताकि लामडा में अगर आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्शन हो जाए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूँ SNS टॉपिक पे जाऊँ, और जब भी कोई इवेंट हो मेरे EC2 इंस्टेंस पे तो मैं जाके उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो मेल आईडी मेरा है उस पर्टिकुलर मेल आईडी पे एक ईमेल आ जाए, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर इनपुट पे आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस से यहाँ पे चूज़ कर ले सकते हैं। अभी मैं जो है चूज़ कर रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट है मैच इवेंट, ठीक। तो आप चाहें तो मल्टीपल टारगेट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि एक मेल मेरे SNS पे आ जाए, दूसरा लामडा फंक्शन पे भी कुछ जाके ट्रिगर हो जाए। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कॉन्फ़िगर डिटेल पे, और यहाँ पे जाके मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, और इसका नाम है EC2 इवेंट एंड क्रिएट रूल। तो ये मेरा यहाँ पे रूल जनरेट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं जाता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस पे। तो मेरा एक EC2 इंस्टेंस है यहाँ पे, तो सिंपल मैं इस EC2 इंस्टेंस को जाके यहाँ पे रिबूट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिबूट किया तो ये एक इवेंट है, और मैंने ऑल इवेंट EC2 से रिलेटेड सभी इवेंट को एक्चुअली इंक्लूड किया है अपने इवेंट में, ताकि अगर कोई भी इवेंट हो तो एक ईमेल जनरेट हो मेरे SNS के सब्सक्राइब्ड ईमेल पे। तो ये रिबूट यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। अगर मैं अपने ईमेल आईडी पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं मुझे एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ गया है। तो
इस तरीके से ये इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपका एक्चुअली काम करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।